या तो औरत होना बीच के जींस में अगर पैदा हो गया तो बहुत खतरनाक बात है, वो अबनॉर्मल बात है वो। या तो मर्द होना होने या तो औरत होना, पता चले या तो उधर हो या तो इधर हो, या तो मर्दों की तरह इधर आ जा या औरतों में उधर बनाने में शामिल हो जा। ये दरमियानी जो काम होता है वो जेंडर होता है। अल्लाह दरमियानी लोगों की बुरी सोबतों से बचाए। अजीजाने गिरामी, अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम रोजाना नमाज पढ़ा दिया करते थे, अब आपके भी लेकर बैठे साहब, वो तो जमाने की बात थी, आपके भी लेकर बैठे दोस्ती हमदर्दी नहीं करना इस बात, हमारे को क्या जरूरत हो गया, खत्म हो गया। मैं लेकर बैठा क्या हदीस की किताब मैं लिखा क्या रिवायत क्या हदीसों की मैं कर रहा हूँ, रिवायत किया हदीसों को सहाबा ने जमा किया मुहद्दिसीन ने। अगर इस बात का जिक्र गैर जरूरी था तो सहाबा इकराम ने ये मसाइल अवाम के सामने बयान क्यों किए, मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में जमा क्यों किया, जरूरत क्या है तेरी जरूरत को बेरा सलाम। ये जो हदीसें हैं जरूरत के लिए नहीं है, सरकार के इजहार अजमत के लिए। अगर ऐसा जरूरत जरूरत बोला तो तू बाद में आबाद जरूरत के लिए ये नहीं बोलने बोला, कल बोलेगा कुछ हदीसा निकालो बोलूंगा, परसों बोलेगा कुछ आयता निकालो बोलेगा, तेरी जरूरत तुझे मुबारक, हम जरूरत के बंदे नहीं है, हम जरूरत के लिए जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं, मुस्तफा के इजहार अजमत के लिए जिंदगी गुजार रहे हैं। हदीसों की किताबों में ये हदीस आज भी मौजूद है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम नींद से बेदार होते जाकर बगैर वजू किए फर्ज नमाज पढ़ाते थे। कोई आलिम आलिम नहीं बन सकता उस वक्त तक, खुदा की कसम, जब तक ये हदीसें उसकी नजर से गुजर ना जाए। आलिम बनना बोलते किसको है, मुस्तफा को जानने का नाम इल्म है, मुस्तफा को मानने का नाम ईमान है। इसके अलावा इल्म किस चीज का नाम है, ईमान किस चुड़िया का नाम है। हदीसों की किताबों में बाकायदा रिवायत आती है, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे जैसे हैं तो फिर सरकार का वजू क्यों नहीं टूटता नींद से बेदार होने के बाद। सिर्फ बोलने से बात नहीं बनती, अगर वाकईतन तुझे दावा है नबी की बराबरी का, तू भी सो जा बगैर नींद में से उठने के बाद, बगैर वजू किए कि नमाज पढ़, देखेंगे तेरी नमाज कबूल होती क्या नहीं होती अल्लाह ताला की बारगाह में। अज़ीज़ाने गिरामी, नींद से सरकार का वजू नहीं टूटता। शख्स सदर का वाकया देखिए कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने सरकार के सदर मुबारक को सीने अथर से जुदा किया, लेकिन हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी बाकी है। मेराज के वाकयात को आप देखिए, जहां फरिश्ता नहीं जा सका, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नहीं जा सके, सरकार पाक अलैहिस्सलाम वहां तक जाकर आ रहे हैं। कितनी बातें कहां तक कोई बयान करे, दो चार मौजूदे हो तो माने बशर कोई, सारी हयात सिलसिला मौजूदात है। एक बात हो तो बयान की जाए, दो बात हो तो बयान की जाए। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, नबी सारे ही मौजूदा लेके आए, हमारा नबी मौजूदा बन के आया। दो चार मौजूदे हो तो माने बशर कोई, सारी हयात सिलसिला मौजूदात है। अजीजाने गिरामी, एक वाकया हो तो कोई बयान करे, एक मसला हो तो कोई बयान करे। यहाँ तो बात दरअसल ये है, हर अमल मौजूदा है, हर अदा मौजूदा है, उठना मौजूदा है, बैठना मौजूदा है। मेहमान तशरीफ ला रहे हैं। مہمان خصوصی وقار اہل سنت علی جناب سی ایم ابراہیم صاحب ایکس یونین منسٹر فار سول ایویشن کرناٹک बल्ला। तो अज़ीज़ाने गिरामी, मैं आप हज़रात के सामने अर्ज़ कर रहा था कि अहादीसे पाक की किताबों में बहुत सारी हदीसें इस किस्म के मज़ामीन में पाई जाती हैं, जिन मसाइल पर अगरचे के फी ज़माना अमल नहीं है, मगर मुहद्दिसीन ने उन हदीसों को इसलिए बाकी रखा है कि उससे हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की अज़मत का पता चलता है। सरकार पाक अलैहिस्सलाम की अज़मत से वाकिफ होना ईमान वाले की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर यह ज़रूरत नहीं है तो फिर मुझे नहीं मालूम कि इस्लाम में ज़रूरत क्या है। इस्लाम में एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है, कलमाए तैयबा के तकाज़ों को पहचान। ला इलाहा इल्लल्लाह जब आप पढ़ रहे हैं, जरूरत इस बात की है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ों को पहचाने। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जब आप पढ़ रहे हैं तो जरूरत इस बात की है कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की अज़मत को पहचाने। जरूरत क्या है इस किस्म की हदीसों की, जरूरत क्या है इस किस्म के मज़ामीन की आयतों की, तो उसकी जरूरत यह है कि इससे हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की अज़मत का पता चलता है। सरकार की अज़मत को पहचानना यह मुसलमान की सबसे बड़ी जरूरत है, ईमान वाले की सबसे बड़ी जरूरत है। दो चार मौजूदे हों तो माने बशर कोई,
ساری حیات سلسلے موجودات ہیں, ایک نہیں بلکہ دو دو موضوع مہمانان نے خصوصی اسٹیج پر جلوہ فرما ہو چکے ہیں. اس واسطے میں تیزی کے ساتھ اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھا کر ختم کر دیتا ہوں. آپ کا ہمارا آمنا سامنا تو ہوتا ہی رہتا ہے, ایک سے ایک عالیشان مخرج یہاں تشریف فرما, ان کی خطابت بھی مہمانوں کی خطابت بھی آپ کو سماعت کرنا ہے. عزیزان گرامی, اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی طرح ہمارے مثل نہیں ہیں. نہ ہم سرکار کو ایسا پکار سکتے ہیں جیسا ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہیں, نہ سرکار کے سامنے ویسی آواز بلند کر سکتے ہیں جیسا ایک دوسرے کے لیے بلند کر سکتے ہیں, نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چار سے زائد بیویوں کو نکاح میں جمع کر رہے ہیں, نہ ویسا ہم نکاح میں جمع کر سکتے ہیں. سرکار کی ازواج مطہرات سرکار کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کبھی کسی مرد سے نکاح کرنے کے قابل نہیں تھے, ان کو اجازت نہیں تھی, جبکہ ہم عام مسلمانوں کی بیویوں کو اجازت ہے کہ عدت گزرنے کے بعد نکاح کر سکتی ہیں. نیند سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو نہیں ٹوٹتا, جبکہ عام مسلمانوں کا وضو نیند سے ٹوٹ جاتا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے سومے وصال رکھنا جائز ہے, جبکہ عام مسلمانوں کے لیے سومے وصال رکھنا جائز نہیں ہے. عزیزان گرامی, حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام میں, عام امتیوں کے احکام میں, یہ بطور مثال دو چار مسائل میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں. اگر ایسے مسائل کو اگر تلاش کیا جائے تو ایک لمبی لسٹ اس کی تیار ہو سکتی ہے, ایک طویل فہرست اس کی تیار ہو سکتی ہے, جسے پتا چلتا ہے امتی کے احکام الگ ہیں, نبی کے احکام الگ ہیں. اب جہاں سے ہم بات شروع کریں وہاں پر آ کر جو سوال فائن ہوا اس کا جواب دیتے ہیں, اپنی بات ختم کر دیتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے مثل نہیں ہیں تو پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم, اے حبیب پاک آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہوں. قرآن شریف کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا پیغمبروں کو اپنے جیسا کہنا کبھی ایمان والوں کا طریقہ نہیں رہا, اوپن چیلنج ہے. اگر کوئی ایمان والا کسی پیغمبر کو اپنے جیسا بولا تو آپ مثال پیش کیجئے قرآن سے حدیث سے. اب میں قرآن سے حدیث پیش کروں گا آپ کے سامنے کہ پیغمبروں کو اپنے جیسا کہنا کافروں کا طریقہ ہے, پیغمبر ہمارے جیسے ہیں یہ بولنا کافروں کا طریقہ ہے. ایک جگہ سے نہیں دو جگہ سے میں مثالیں پیش کروں گا قرآن شریف سے. ایک تو سورہ یاسین کے دوسرے رکوع کی مشہور آیت ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نہیں دو نہیں تین پیغمبروں کو ایک بستی کی طرف بھیجا, اصحاب الخدیجہ کی طرف ایک بات دیگر تین پیغمبر مبعوث کیے گئے. پیغمبروں نے بستی والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم اللہ کے فرستادہ ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے میسنجر ہیں, اللہ کی طرف سے نبوت سے سرفراز ہو کر تمہارے. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا, کافر پیغمبروں سے مخاطب ہو کر بولے لگے آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں. کون بولے؟ مسلمان بولے, کافر بولے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کے 73 فرقوں میں کافروں کے طریقے پر کون ہے, صحابہ کے طریقوں پر کون ہے. صرف صحابہ والا ایمان کہہ کر رٹ لگانے سے صحابہ والا ایمان ملنے والا نہیں ہے. اگر صحابہ والا ایمان چاہتے ہو تو پہلے صحابہ والے عقیدے اختیار کرو. کافروں نے پیغمبروں سے مخاطب ہو کر کہا ما انتم الا بشر مثلنا, آپ لوگ تو ہمارے جیسے انسان ہیں. تو اس سے پتا چلتا ہے پیغمبروں کو اپنے جیسا کہنا کافروں کا طریقہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری طرف دوسری قوم کے کافروں کے قول کو بھی کوٹ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے, انہوں نے بھی کہا قالوا انکم اطعتم بشرا مثلکم, کافروں نے ایمان والوں سے کہا کہ اپنے جیسے انسان کی پیروی کرتے ہو تم, جیسا ہمارے بولتے نہیں, کیا ایک انسان کے لیے اتنا بڑا جشن منا رہے ہو, ایک انسان کی اتنی تعریف کرتے ہو, ایک انسان کے لیے ایسی عقیدتوں کا نظر, یہ انسان انسان بول کر یہ لوگ جہاں پھنسے ہوئے ہیں. کافرہ بھی وہی لفظ انسان پر پھنسے تھے اور ابلیس بھی وہی لفظ انسان پر پھنسا تھا. کیا میں ایک بشر کو سجدہ کروں؟ کیا بولا؟ کیا میں ایک بشر کو سجدہ کروں؟ تو عزیزان گرامی, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کافروں نے کہا انکم اطعتم بشرا مثلکم, کیا تم اپنے مثل انسان پر ایمان لاتے ہو؟ اسے پتا چلتا ہے کہ پیغمبروں کو اپنے جیسا کہنا ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے, کافروں کا طریقہ ہے. نہیں, اگر کسی کو اگر ضدی ہے نہیں, قرآن میں آ گیا ہم تو بولیں گے برابر, تو پھر قرآن میں یہ نہیں آیا. قرآن پڑھے تو پورا پڑھو, ابن صفی کے ناولوں کی کتاب نہیں ہے, غالب کا دیوان نہیں ہے, شیکسپیئر کے ڈرامے کی کتاب نہیں ہے, جہاں سے ذرا دل بلا کھولا ایک آیت پڑھا وہ مفہوم نکال لیا بولنے کے لیے. قرآن کی ایک آیت کی تفسیر بیان کرنے کے لیے پوری آیتوں پر نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے, حدیثوں کے سب مضامین سے واقف ہونا ضروری ہوتا ہے. نہیں, کچھ بھی بولو آپ, قرآن میں آیا ہم تو بولیں گے, قرآن میں وہ نہیں آیا. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے, وما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم, کوئی زمین پر چلنے والا جانور ایسا نہیں ہے, کوئی اپنے پروں پر اڑنے والا پرندہ ایسا نہیں ہے, اے انسانوں تو تمہاری طرح ایک قوم نہ ہو. مطلب کیا؟ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ زمین پر چلنے والا ہر جاندار, اپنے پروں پر اڑنے والا ہر پرندہ, اے انسانوں وہ بھی تمہاری مثل قوم ہے. اللہ ممن امثالکم, وہ بھی تمہاری قوم تمہارے مثل قوم ہے. اللہ تعالیٰ ہے انسانوں بول رہا ہے, انسانوں جانور بھی تمہارے جیسے ہیں, پرندے بھی جیسے تمہارے جیسے ہیں. اب اگر کوئی قل انما انا بشر مثلکم پڑھ کر ولیوں کو اپنی طرح, نبیوں کو اپنی طرح ثابت کرنا چاہتا ہے تو آپ اسے کہیے الو, بولو اس کو الو, کوے, مرغ,
अब उसके आगे पेगू बोलूंगा बैल, और अभी दो खतरनाक जानवरों के नाम है, लड़ाई होने के बाद बोलेंगे बैल। उसके बाद आप समझ जाइए और क्या क्या है। बोले तो सुनता, क्या बोलता, मेरे को कुत्ता बोलेगा, मेरे को गधा बोलेगा, कहीं उसके बारे में सब अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा, मामिंदा बतिन से लड़ वाला तायरी अतीर बिजना है इल्ला उम्मन अमसाल हुकुम, जो भी जमीन पर चलने वाला जानवर हवा में उड़ने वाला परिंदा है तुम्हारे में उसके कौम है, कुरान से साबित हो रहा। तो तेरे को कुत्ता बोलता हूँ मैं, तेरे को गधा बोलता हूँ मैं, कुरान से साबित हो रहा, मानता क्या, क्या बनेगा उस वक्त, मेरे को आप कुत्ता नहीं बोलना, मेरे को आप गधा नहीं बोलना, कहीं नहीं बोलना, क्या सुरखा पे पर लगेगा, तेरे को कुरान से साबित हो रहा ना, तो उस वक्त क्या बनेगा। देखो साहब, जिंदा होने के एतबार से, खाने पीने के एतबार से बराबरी है, बात बातों में फर्क भी है, इस वास्ते नहीं बोलना कुत्ते में और गधे में, और तुझ में बात बातों में फर्क है तो तेरे को कुत्ता और गधा नहीं बोलना, जबकि नबी और उम्मती में उससे ज्यादा फर्क है, तू नबी को अपनी तरह कहता है। ले लेते हैं ये आयत मुबारका में अल्लाह ताला फरमाता है, हबीब पाक आप कह दीजिए ऐ लोगों मैं भी तुम्हारे मिसले इंसान हूँ, तो फिर अल्लाह ताला फरमा रहा तो फिर क्यों मिसले सरकार की साबित नहीं होती। तवादो के तौर पर है, तवादो का मफहूम तो जानते हैं ना आप, तवादो का मतलब यही कि एक बहुत बड़ा आलिम होता है, मैं क्या हूँ भाई, मैं तो तालिबे हूँ बोलता हूँ, तो खत्म होने आलिम नहीं है मेरे साथ। एक कॉलेज का एक प्रिंसिपल बोलता है कि मैं आपका खादिम हूँ, तो हो गया उसकी इज्जत अजमत सब खत्म होगी उसी वक्त। बादशाह अपनी रियायत से मुखातिब होकर बोलता है मैं आप लोगों का खादिम हूँ, हो गया। अब आप बोलेंगे तू खादिम है तो तख्त के ऊपर कहीं बैठा, उठ नीचे आ ले झाड़ू झाड़ना शुरू कर मैदान, बोलेंगे क्या। अज़ीज़ाने गिरामी, बादशाह अपने आपको जब खादिम कहता है तो उसका खादिम होना साबित नहीं होता, क्यों, उस वक्त आप बोलेंगे तवाज़ो के तौर पर ऐसा कह रहे हैं। एक बहुत बड़ा नमाजी बोलता है मैं एक गुनाहगार हूँ, अब झूठ बोला बोलेंगे क्या, आप बोलेंगे नहीं भाई बहुत बड़े नेक अल्लाह वाले आदमी है, तवाज़ो के तौर पर ऐसा फरमा रहे हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, तवाज़ो का मतलब यह है कि आदमी हकीकत के खिलाफ अपनी सादगी को जाहिर करने के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है, हकीकत के खिलाफ होते हैं। यहाँ पर पहुंचकर एक बात आपको समझना चाहिए, हकीकत के खिलाफ जो बात होती है वो झूठ है। झूठ का डेफिनेशन क्या है, झूठ की तारीफ क्या है, झूठ की तारीफ है कि जो बात हकीकत के खिलाफ हो उसको झूठ कहते हैं। लेकिन एक मुकाम पर पहुंचकर झूठ बोलना जायज हो जाता है, वो मुकाम मुकाम तवाज़ो है। आलिम को मालूम है, उसको मालूम है मैं तालिब इल्म नहीं हूँ, आलिम इसको मालूम है उसको, उतना मालूम रखते हुए बोलता नहीं मैं तालिब इल्म हूँ। अब झूठ बोलना खिलाफ में हकीकत बोल सकता, झूठ बोल गया नहीं 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 तवाज़ो के तौर पर बोला, इसे पता चलता है कि तवाज़ो के तौर पर झूठ बोलना जायज है, सिर्फ जायज नहीं है बल्कि काबिल तारीफ है। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़ाहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करता है अल्लाह सुभान व तआला उसको दर्जों बुलंद फरमा देता है। हजरत शेख अब्दुल हक मौजूद दहलवी फरमाते हैं कि ये आयत बतौर तवाज़ो के है, इसलिए अल्लाह ताला ये नहीं फरमा रहा कि ए ईमान वालों हमारे नबी भी तुम्हारे मिसल हैं, अल्लाह ताला नहीं फरमा रहा, ना ईमान वालों कह रहा ए ईमान वालों नबी को अपने तरह कहा करो, नहीं फरमा रहा। खुल ए हबीब पाक, मैं कहूंगा तो लोग हकीकत समझेंगे, लोगों को कहने की इजाज़त नहीं दूंगा, इजाज़त दूंगा तो बेअदब हो जाएंगे, इसलिए खुल आप ऐसा कह दीजिए, अगर आप ऐसा कहेंगे तो तवाज़ो के तौर पर यह बात साबित हो जाएगी, हकीकत अपनी जगह साबित रहेगी, हमारा मंशा अपनी जगह पूरा हो जाएगा। तवाज़ो के तौर पर इसलिए आप बोलिए, दूसरे को बोलने का राइट नहीं है, दूसरे को बोलने का इख्तियार नहीं है। कुरान से आप बोलेंगे कि पैगंबर भी ऐसा खिलाफ वाकया बात करते हैं, जी हाँ करते हैं, एक नहीं दो आयतें कुरान शरीफ से पेश करता हूं मैं इसके सबूत में। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मशहूर वाकया है कि गंदम का दाना आपने नोश फरमाया, तनावुल फरमाया, तकाज़े हाजत बशरी हुई, तो फिर आप जमीन पर तशरीफ ले आए, रोते रहे, बिलाखिर दुआ करी, उस वक्त एक दुआ मांगे थे आदम अलैहिस्सलाम, कुरान में वो दुआ शामिल हो गई। सूरतुल आराफ में आदम अलैहिस्सलाम दुआ मांगते हुए अर्ज करते हैं रब्बना वलमना अनफुसना वइल्लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, रब्बना वलमना वलमना अनफुसना, ऐ परवरदिगार हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है। आदम अलैहिस्सलाम अपने आप को जालिम कह रहे हैं, मुझे आप बताइए कि कोई नबी एक जालिम हो सकता है क्या। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम पढ़कर आज सरकार को अपने जैसा इंसान बोल रहा, कल के दिन ये आयत पढ़कर आदम अलैहिस्सलाम को जालिम कहेगा, ये रविश इसकी कायम रही। तो इस आयत में आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब्बना वलमना अनफुसना, कुरान की आयत है, मतन है कुरान का। अब अगर कोई इस आयत को पढ़कर आदम अलैहिस्सलाम को जालिम कहे, आदम अलैहिस्सलाम तो जालिम नहीं है, ये बोलने वाला काफिर जरूर है। एक पैगंबर ऐसा नहीं बोले। एक और एक मिसाल लीजिए कुरान से, कुरान को कुरान से जोड़कर पढ़ना सीखो, कुरान को हदीस और कुरान की ताईद से पढ़ना सीखो, तब कुरान की सही फहम तुमको समझ में आएगी। ये अहले सुन्नत तो जमात का मुकद्दर है कि पूरी हदीसों पर हमारा ईमान है, पूरी आयतों पर हमारा ईमान है। अज़ीज़ाने गिरामी, आदम अलैहिस्सलाम ने खुद को जालिम कहा, कोई जालिम बोल नहीं सकता, एक मिसाल है। अब दूसरी मिसाल कुरान ही से पेश करता हूँ मैं आपके सामने, कुरान पढ़ रहा हूँ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा इतने दिन में अज़ाब आने वाला है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है,
दिनों की तादाद हजरत अपनी तरफ से बोलती है, हालांकि बोलना गलत था, बोलना भी बड़ी बात है, खता है बुजुर्गों गिरफ्तार खता, बड़े लोगों की गलती पकड़ना भी गलती है, और वो भी बड़े भी कौन बड़े, पैगंबर जिनसे गलती हो भी नहीं सकती, अहले सुन्नत जमात का मुत्तफ़क अकीदा है पैगंबर से गलती हो भी नहीं सकती। अब वो अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान के मामले में हमको दखल देने की जरूरत नहीं। यूनुस अलैहि सलाम के आवले इतने दिन के अंदर अदा आता बने, अल्लाह ताला ने फरमाया अपनी तरफ से तादाद लगाए, जिनके रुतबे सिवा उनको सिवा मुश्किल है, अल्लाह ताला फरमाया कि तुम्हारे को तादाद बोलने की इजाज़त कौन दिए थे, अब नहीं उतने दिन में अदब नाजिल नहीं करता, क्या करते। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जलाल आया, हजरत क्या करें, ये कौम न कोई तबलीग न कोई दावत न कोई, नैनवा का मुकाम छोड़कर उसको पीट करके समंदर की तरफ चल निकले, समंदर की तरफ चल निकले, जाकर कश्ती में बैठकर बोले तू अब तबिला न कुतबिला, तेरे बंदे तू जान वो जान, निकलकर चले गए, जाकर समंदर में बैठे वो तबील वाकिया, उसके बाद वो कश्ती डूबने लगी तो उस कौम का तरीका था, वो लोग उन लोगों का अकीदा था, भागा हुआ गुलाम अगर कश्ती में आता है तो कश्ती डूब जाती है, ऐसा अकीदा था वो लोगों का। वो लोग बोले कौन है मुसाफिर, कोई भागा हुआ गुलाम है क्या, नाम लिखकर उठा ले, तो हजरत ये सैयदना यूनुस अलैहि सलाम का नाम निकला, यूनुस अलैहि सलाम ने कहा हाँ मैं ही अपने परवरदिगार से भाग कर आया हूँ, डुबो मुझे पानी में, उठाकर यूनुस अलैहि सलाम काफिर थे, उन पैगंबर की क्या कदर, हीरे की कदर जौहरी को होती है, गधे को ज़ाफ़रान की क्या कदर, उनको क्या मालूम कि ये कौन है। तो अल्लाह ने गिरामी हज़रत यूनुस अलैहि सलाम को उठाकर उन्होंने पानी में डाल दिया, अल्लाह के हुक्म से मछली निकल गई। अब पेट में जाने के बाद यूनुस अलैहि सलाम जिंदा सलामत रहे, एक दिन नहीं दो दिन नहीं 40 दिन तक मछली के पेट में जिंदा रहे हजरत यूनुस अलैहि सलाम, कितना बड़ा मौजूदा है। अब उसके बाद 40 दिन के बाद बाहर निकले, अब जो दुआ करें मछली के पेट में, दुआ कुरान करीम में कोट हुई है, यूनुस अलैहि सलाम दुआ करते हुए इरशाद फरमाते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। आयत करीमा के खत्मा कराते ना, आयत करीमा के एक एक हफ्ते में एक महीने में 10-10 बार आयत करीमा के खत्मा कराते, उसमें दुआ पढ़ी जाती है ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन। यूनुस अलैहि सलाम कहते हैं कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, पाकी तेरे लिए मैं ही ज़ालिमों में से हूँ। नऊज़ु बिल्लाह का यूनुस अलैहि सलाम ज़ालिमों में से है क्या, नहीं आयत गलत है क्या, अगर आयत सही है तो यूनुस अलैहि सलाम ज़ालिम है क्या, अगर यूनुस अलैहि सलाम ज़ालिम नहीं है तो आयत गलत है क्या। आप बोलेंगे नहीं आयत भी सही है, यूनुस अलैहि सलाम भी गलत भी नहीं है, फिर ये क्या है। अब बोलेंगे नहीं तवाज़ो के तौर पर बोले हजरत, आदम अलैहि सलाम क्यों बोले, तवाज़ो के तौर पर बोले, आदम अलैहि सलाम जब फरमाते हैं रब्बना ज़लमना तवाज़ो के तौर पर, यूनुस अलैहि सलाम जब फरमाते हैं इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन तवाज़ो के तौर पर, और सरकार जब फरमाते हैं अल्लाह ताला फरमाता है आप कह दीजिए इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, जब वो तवाज़ो का मसला कहाँ चले जाता है, हकीकत साबित की जाती है। अज़ीज़ाने गिरामी हजरत शेख अब्दुल हक मौदी ज़ैल भी फरमाते हैं, चैलेंज करें पूरी बिरादरी को जो इस आयत का गलत मफ़हूम बयान करती है, दम है तो कोई ऐसी आयत पेश करो जिसमें अल्लाह ताला ने नबी को दूसरे लोगों की तरह कहा हो, 6,666 आयतों में एक आयत ऐसी बताओ जिसमें अल्लाह ताला कहता हो कि ऐ नबी आप भी दूसरे लोगों के जैसे हैं, नहीं बता सकते, क़यामत तक नहीं बता सकते। अगर कोई आयत है तो बताओ कि अल्लाह ताला ईमान वालों को इजाजत दिया, ईमान वालों नबी को अपने मिसल बशर कहा करो, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, क़यामत तक नहीं बता सकते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल हबीबे पाक आप ऐसा कहिए, तो जिस तरह आदम अलैहि सलाम ने अपने आप को ज़ालिम कहा ज़ालिम नहीं है, यूनुस अलैहि सलाम ने अपने आप को ज़ालिम कहा ज़ालिम नहीं है, इसी तरह सरकार ने अपने आप को मिसल बशर कहा, मुस्तफ़ा को पैदा करने वाले की कसम, ऐसा कहने के बावजूद भी मुस्तफ़ा हमारी तरह नहीं है। जब आदम अलैहि सलाम अपने आप को ज़ालिम कहकर ज़ालिम साबित नहीं होते, यूनुस अलैहि सलाम अपने आप को ज़ालिम कहकर ज़ालिम साबित नहीं होते, तो सरकार अपने आप को मिसले बशर कह के मिसले बशर कैसे साबित हो सकते हैं। हरगिज़ सरकार पाक अलैहि सलाम हमारी तरह बशर नहीं है। ये पहला जवाब है कि तवाज़ो के तौर पर है, और जो बात तवाज़ो के तौर पर की जाती है खुद वो आदमी अपने लिए बोल सकता है, दूसरे को बोलने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई आदमी बोला मैं खासकर हूँ, मैं खासकर आपकी बारगाह में आया हूँ, आप क्या बोलते हाँ खासकर यहाँ बैठ, अब बात कही जाती है खुद उसको बोलने की इजाज़त होती है, दूसरे को बोलने की इजाज़त नहीं हो सकती। जब आम कली में कोई आदमी अपने लिए कहता है तो दूसरों को बोलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो नबियों के इमाम के ताजदार जब अपने आप को मिसले बशर कहते हैं अय वहाबी हो, तो तुमको कैसे इजाज़त दी जाएगी कि तुम नबी को अपनी तरह कहा करो। वो बात बतौर हकीकत के नहीं बतौर तवाज़ो के है, तवाज़ो के तौर पर जो बात कही जाती है खुद कहने की इजाज़त है, दूसरों को कहने की इजाज़त नहीं। ये पहला जवाब दिए शेख अब्दुल हक मौदी दहलवी रहमतुल्लाह। दूसरा जवाब क्या दिया मदारिज़ नबूवा में है ये बहस, दूसरा जवाब क्या दिए हैं, दूसरा जवाब ये दिए हैं कि ये आयत बतौर हकीकत के लिए नहीं है, दफ़े शिर्क के लिए है, शिर्क को दफा करने के लिए है, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के हाथ से ऐसे बड़े बड़े मौजूदे ज़ाहिर हुए, डर था कि कहीं कोई सरकार पाक अलैहिस्सलाम को खुदा ना कह दे, खुदा का बेटा ना कह दे, उंगली का इशारा हो रहा है तो चांद के टुकड़े हो रहे हैं, अबरू के इशारे
पर डूबा हुआ सूरज पलट कर आ रहा है। कंकरियां दुश्मन के हाथों में नाम का कलमा पड़ती हुई नजर आ रही है। दरस ऊंट की तरह चलकर बारगाह हजरत में हाजिरी दे रहा है। पत्थर मछली की तरह तैरता हुआ सरकार की बारगाह में हाजिरी दे रहा है। उंगली उठती है तो चांद के दो टुकड़े होते हैं, निगाहें उठती है किला बदल जाता है। कोई ये देखकर सरकार को खुदा ना कह दे, इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम। ऐ हबीब पाक आप कह दीजिए इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, देखो मैं तुम्हारी तरह इंसान के रूप में आया हूँ। अगर खुदा होता तो इंसान के रूप में नहीं आता, खुदा इंसान के रूप में नहीं आता, मैं इंसान के रूप में आया हूँ। नूर मोहम्मदी इंसान के रूप में ढल सकता है, नूर खुदा इंसान के रूप में नहीं ढल सकता। नूर मोहम्मदी इंसान की शक्ल में आकर हसन हुसैन का नाना बन सकता है, नूर खुदा बशरियत की शक्ल में आकर किसी का नाना दादा नहीं बन सकता। नूर मोहम्मदी इंसान का रूप धार कर आमिना के दिल का चैन बन सकता है, अब्दुल मुत्तलिब की आंखों का तारा बन सकता है। नूर खुदा किसी की औलाद नहीं बन सकता, लम यलिद वलम यूलद। आप इंसान की शक्ल में जाकर अपनी बशरियत की मिसाल को इसलिए पेश कीजिए ताकि कोई आगे चलकर आपको खुदा ना कहे। अब अगर कोई ऐसा फिरका पैदा होकर कहे कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा है, तो उनका जवाब देने के लिए हम यह आयत पेश करेंगे कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम। बोल तो सही, क्या खुदा इंसान की शक्ल में आ सकता है? नहीं, सरकार भी नूर है ना, बेशक है। नूर खुदा अलग है, नूर मुस्तफा अलग है। खुदा बंदे का रूप नहीं धार सकता, खुदा इंसान का रूप नहीं धार सकता, खुदा किसी का दादा नाना नहीं हो सकता। नूर मुस्तफा नूर होते हुए भी हसनैन करीमैन का नाना भी हो सकते हैं, बीबी फातिमतुज़्ज़हरा के वालिद भी हो सकते हैं, हजरत अब्दुल्ला के घर का चराग भी हो सकते हैं। दफे शिर्क के लिए अल्लाह ताला ने शायद को नाज़िल फरमाया, दूसरा जवाब दिए हैं, और तीसरा जवाब सबसे बेहतरीन जवाब है, बेहतरीन जवाब, इससे बेहतर जवाब कुछ हो नहीं सकता। अगर आप इंसाफ की बुनियाद पर मेरी बात सुनेंगे, गारंटी देता हूं, मैं जमानत देता हूं, इंसाफ की बुनियाद पर बोलो। अगर तासुब की बुनियाद पर है तो चांद के दो टुकड़े होते हुए देखकर भी नहीं माने। हजरत शेख सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हुनर बच्चे में अदुवा बुजुर्ग तर ऐबस गुलस्त सादी वदर नजर दुश्मना खारस। मतलब क्या, दुश्मन की नजर में हुनर भी ऐब होता है। शादी को देखो एक फूल है, लेकिन उसके दुश्मन उसको कांटा समझते हैं। अब तासुब के ऐनक लगाकर देखा तो नहीं समझ में आता। इंसाफ की नजर से अगर कोई मेरी बात सुना तो इंशाअल्लाह ताला मैं गारंटी देता हूं इस बात की फिर आपको गुमराह नहीं कर सकेगा। पहला जवाब यह है कि बतौर तवाज़ो के है, दूसरा जवाब यह है कि बतौर दफे शिरक है, तीसरा जवाब सबसे बेहतरीन जवाब है, बेहतरीन जवाब। अभी जवाब देने के बाद मेरी तखलीक खत्म समझो, बेहतरीन जवाब क्या है वो जवाब? तो हजरत शेख अब्दुल्ला मोहद्दीन दहलवी फरमाते हैं, कुरान की आयतें तीन किस्म की हैं, मुखत्ताहात, मुतशाबिहात, मुहकमात। मुखत्ताहात उन आयतों को कहते हैं कि जिनका ना मतलब मालूम ना मफहूम मालूम, नो ट्रांसलेशन नो एक्सप्लेनेशन, उन आयतों को हुरूफ मुखत्ताहात कहते हैं। नो ट्रांसलेशन नो एक्सप्लेनेशन, उसका कोई तर्जुमा भी नहीं कर सकता, कोई मफहूम भी बयान नहीं कर सकता। अलिफ लाम मीम, कुरान शरीफ के 10,000 में 10,00,000 तर्जुमे भी अगर मुतरजम को बोलना पड़ता, अलिफ लाम मीम, काफ आ या ऐन साद, कोई इसका तर्जुमा नहीं कर सकता, ताहा तर्जुमा नहीं कर सकता, यासीन कोई तर्जुमा नहीं कर सकता। तो ऐसी आयतें जिनका ना तर्जुमा हो सकता ना मफहूम बयान हो सकता, ऐसी आयतों को क्या कहते हैं? आयतें मुखत्ताहात। मुखत्ताहात का मतलब है कि तर्जुमा भी नहीं हो सकता, मफहूम भी उसका बयान नहीं हो सकता। ये पहली किस्म है, कोई दुनिया का ट्रांसलेटर आज तक नहीं कर सका, तर्जुमा क़यामत तक नहीं कर सकता। अब दूसरी किस्म की जो आयतें होती हैं वो है मुहकमात। मुहकमात का मतलब ये कि उसका तर्जुमा भी होता है, उसका मफहूम भी मालूम होता है। ट्रांसलेशन इज ऑल्सो पॉसिबल, एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो पॉसिबल, तर्जुमा भी हो सकता है, मफहूम भी उसका बयान किया जा सकता है। ऐसी आयतें ज्यादा है कुरान शरीफ में। कितने हो गए? दो किस्म के हो गए। बीच में एक किस्म की आयत है, उसको कहते हैं आयात मुतशाबिहात। मुखत्ताहात का तर्जुमा भी नहीं होता, मफहूम भी नहीं होता, और मुहकमात का मतलब तर्जुमा भी होता है, मफहूम भी साबित होता है। अब दरमियान में एक किस्म की आयत होती है, उसको कहते हैं आयात मुतशाबिहात। मुतशाबिहात ऐसी आयतों को कहते हैं जिसका तर्जुमा हो सकता है, मफहूम बयान नहीं हो सकता। अरबी डिक्शनरियों की मदद से कोई भी तर्जुमा कर दे सकता है, मगर उसका मफहूम बयान नहीं हो सकता। और ऐसी आयतों के बारे में हुक्म यह है कि जो आयतें मुतशाबिहात से होती हैं, उन आयतों का तर्जुमा करने के बावजूद उन आयतों का मतलब ना किसी को मालूम हो सकता है, ना कोई आयतों को समझ सकता है। अब क्या करना उन्हें? तो शरीयत बोलती है मुतशाबी आयतों का तर्जुमा तो कर लेना, मतलब समझने के चक्कर में नहीं पड़ना, मतलब को खुदा के जिम्मे करम पर छोड़ देना, अल्लाह ताला के हवाले मुराद को करना, मतलब समझे बगैर ईमान ला लेना, मतलब समझे बगैर ईमान ना लेना। ऐसी आयतों को आयत मुतशाबिहात कहते हैं। तो मतलब क्या हुआ? अल्लाह ताला फरमाता है हबीबे पाक आप कह दीजिए कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम। कुल का तर्जुमा भी मालूम, इन्नमा का तर्जुमा भी मालूम, अना का तर्जुमा भी मालूम, बशरुम का तर्जुमा भी मालूम, मिसलुकुम का तर्जुमा भी मालूम। पांचों के पांचों अल्फाज अरबी जबान के साथ ही सीधे अल्फाज हैं, अरबी की डिक्शनरियों से उसका तर्जुमा मिलता है। कुल कह दीजिए, इन्नमा बात यही है, अना के मैं बशरुन इंसान हूँ, मिसलुकुम तुम्हारे जैसा, तर्जुमा तो पूरा हो गया,
मगर तर्जुमा पूरा होने के बावजूद बात समझ में नहीं आ रही। अल्लाह सुब्हानहू तआला इधर से बोल रहा है कि तुम्हारे मिस्र इंसान है सरकार पाक अलैहिस्सलाम, दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि कोई आयत इस मफहूम की तायद नहीं कर रही, कोई हदीस इस मफहूम की तायद नहीं कर रही, अब क्या करना। तो हजरत शेख अब्दुल हक मौदूदी ज़ैलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ऐसी ही आयत को आयत मुतशाबे कहते हैं, तर्जुमा होने के बावजूद बात समझ में नहीं आ रही। तो जो आयत मुतशाबे होती है उसके मफहूम पर ईमान नहीं लाना, मफहूम को खुदा के हवाले कर देना, आयत पर ईमान लाना। हम पढ़ेंगे तर्जुमा करेंगे उसके बाद ये बोलेंगे कि सरकार हमारे जैसे तो नहीं है, फिर आयत है उसके बारे में क्या कहेंगे, वो आयत में कहे अल्लाह को मालूम, हम आयत पर ईमान लाते हैं, वो आयत में जो बात है वो बात तो हमारे को समझ में तो नहीं आती, जो बात आयत में है हमारे को समझ में नहीं आ रही, समझे बगैर हम ईमान लाते हैं। अब बोलेंगे ऐसा कैसा होता, समझे बगैर भी ईमान ला सकते क्या, सुनो जरा कुरान, कुरान से जोड़कर समझो समझ में आता, ऐसे भी आयत है क्या कुरान में नहीं समझे वैसा भी ईमान ला रहे, बहुत है तू नहीं पढ़ा कुरान तेरे को नहीं मालूम तुम क्या करेंगे, बहुत है ऐसे एक है दो है ऐसे बहुत है। तीन आयत आप विश्वास पेश करता हूँ मैं, सुनिए देखिए आप, जब से मैं हर बात कुरान से साबित नहीं करूँ, अब सुनिए आखिरी बात ये भी कुरान से साबित कर रहा हूँ। अब आयत को समझे बगैर आयत पर ईमान लाने का मतलब क्या, तो वो कैसा होता मेरे को आप एक सवाल का जवाब दो, अल्लाह तआला का चेहरा है क्या, हाथा पहरा नाक कान आँख चेहरा सब रहा तो नौज़ बिल्लाह खुदा कहीं उनका बुत बन जाएगा उन्हें, हाथ आओ तो बुत, हाथ ना हो तो खुदा है, खुदा जिस्म से पाक है जिस्मानियत से पाक, अल्लाह तआला का चेहरा है क्या, अगर कोई अल्लाह ताला को चेहरा माना तो बदअकीदा है, अहले सुन्नत जमात से खारिज है, अल्लाह ताला जिस्म और जिस्मानियत से पाक है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है अल्लज़ी लैसा कमिस्लिही शैई, वो तो ऐसा है कि उसके जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। अब उसको भी चेहरा साबित करे तो बहुत मुश्किल हो जाती, फिर चेहरा साबित करते थे एक सामने एक पीछे बोलना पड़ता, चेहरा बोले तो पीछे सर सामने चेहरा, चेहरा बोले तो फिर किससे बना आँख होना पड़ता, चेहरा पेशानी होना पड़ता, नाक होना पड़ता, होंठ होना पड़ता, एक चेहरा बोले तो पूरा बुद्धि छत को आ जाता, खुदा खुदा का बाकी देगा बुद्ध बनकर आपके हाथ में आ जाता, फिर अगर उसके लिए सब साबित करते बैठे तो अल्लाह ताला के लिए चेहरा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कुरान में अल्लाह सुब्हानहु ताला एक मुकाम पर इरशाद फरमाता है वलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिबु फाइनमा तवल्लु फसम्मुल्लाह, लिल्लाहि मशरिक वल मगरिब, मशरिक भी अल्लाह के लिए है मगरिब भी अल्लाह के लिए है। अब डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने वालों से मैं पूछता हूँ, अब जवाब दो, खाली इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम वो एक आयत नहीं है कुरान में, ऐसे और भी आयता है, तुम्हारे को भी बात करना नहीं आता हमारे को भी बात करना आता, तुम्हें अरबी पढ़कर नहीं बैठे हमारे को भी अरबी पढ़ना आता, तुम्हारे को लंबी जबान नहीं हमारे को भी बहुत कुछ बोलना आता, तुम्हारे को आयता कोट करना नहीं आता, तुम्हारे से ज्यादा आयता कोट करना हमारे को भी आता। अरे नबी के गद्दार हो, जब नबी की गद्दारी में तुम इतनी तैयारी कर सकते हो तो नबी के वफादार, नबी की वफादारी के लिए कितनी तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करना आता है तो वफादारों को वफादारी के लिए तैयारी करना क्यों नहीं आ सकता, और समझने की काबिल बात है। ऐ बेअदब हो, तुम बेअदबी के साथ जब इतनी आयतें पेश कर सकते हो तो जो कौम उस नबी पर ही उस नबी की ताजीम करती है जिस पर ये कलाम नाज़िल हुआ तो हमारे को कितनी आयतें पेश करना आता। ये मत समझो कि तुम्हारे मुंह में जबान है हम भी मुंह में जबान रखते हैं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। अल्लाह सुब्हानहु तआला कुरान में फरमाता है वलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब, खाली जाहिलों को पकड़कर वो लाल हरे पीले होते किताबें पढ़ लेना मस्जिदों में बैठकर, जाहिलों में अंधों में काने राजा बनो, दम है तो आकर साबित करो, देखेंगे कि किसमें कितना जोर है किसमें कितना दम है। क़यामत तक हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मिस्रियत तो साबित नहीं कर सकते, दम है तो आओ सामने देखेंगे कौन साबित कर सकता है। अज़ीज़ाने गिरामी अल्लाह सुब्हानहु तआला फरमाता है जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जाहिलों में दिखाओ इधर किधर। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है वलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब, मशरिक भी अल्लाह के लिए है मगरिब भी अल्लाह के लिए, सही बात है वो तो बहुत समझ में आ गया, बहुत अच्छी आसान बात है। उसके बाद क्या है, अब देखो तर्जुमा करता हूँ, अभी तर्जुमा नहीं करा मैं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, वट वट तर्जुमा नहीं करा, अभी अभी तर्जुमा सुनो, फाइनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, वो पांच है तो ये भी पांच है, फाइनमा जिधर किधर जिधर जिस तरफ भी, फाइनमा जिधर भी तुवल्लु तुम अपना रुख करो, फसम्मा उधर ही है वजहुल्लाह अल्लाह का चेहरा, वजहुल बड़े चेहरे को बोलते, कौन सी डिक्शनरी उठाता उठा, तेरे को कौन सी डिक्शनरी पसंद उठा तो देख, वजहुल का मतलब होता है चेहरा, फाइनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर तुम रुख करो उधर अल्लाह का चेहरा है। अब इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम बोलकर सरकार को अपने जैसा साबित कर रहा, तेरे को ऐसी खुली छुट्टी देंगे कल के दिन बोलेंगे अल्लाह ताला को एक चेहरा है, आयत पढ़ेंगे तो तेरे को ऐसा ऐसा छोड़ते देंगे। तो अगर फाइनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर तुम रुख करो उधर अल्लाह का चेहरा है, अब अल्लाह ताला का चेहरा साबित कुरान से साबित हुआ ना, अब क्या बोलेंगे आप, एक फिरका बना मुसलमानों में मुजस्समा बोलते हैं, फिरका नाम है मुजस्समा, अल्लाह ताला को जिस्म मानते हैं वो अहले सुन्नत जमात से खारिज है, वो 73 में एक वो भी है, वो 73 में एक तो अहले सुन्नत जमात है, 72 में से एक है वो। तो अज़ीज़ान गिरामी अब आयत का मतलब ये हुआ जिधर तुम रुख करो उधर अल्लाह का चेहरा है, अब अल्लाह का चेहरा साबित करते क्या, अब
क्या बोलेंगे का मतलब क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, वो आयत का जो मतलब है तर्जुमा तो हो जा रहा, हम मतलब नहीं समझ सकते, हमारे को इतना तो मालूम अल्लाह को गहरा नहीं है। फिर आयत में क्या है ये? तो आयत